फेसबुक को इंस्टाग्राम से जल्दी से कनेक्ट कर लो। जो भी आप इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करोगे उन पर फेसबुक के जो व्यूज है वो भी काउंट हो जाएंगे, बट आपको सही तरीका आना चाहिए कनेक्ट करने का। ऐसा नहीं है आप लोग डायरेक्ट फेसबुक का अकाउंट ही इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लोगे तो आपको फेसबुक की जो व्यूज है वो काउंट नहीं होगा। आप लोगों को सही तरीका मालूम होना चाहिए तो ही आप लोग फेसबुक व्यूज भी इंस्टाग्राम रील्स में काउंट कर सकते हैं। वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ सबसे पहले साइड में लाइव प्रूफ दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड किया है, इस पर तो फेसबुक से कितने सारे व्यूज आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ एक बार दे सकते हैं। ये मैंने कैसे किया है आप लोग भी कर सकते हैं, परंतु आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा और समझना होगा तो ये आप लोग ये कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो का लाइक एम टारगेट हम रखते हैं सिर्फ 100 लाइक्स। यार जल्दी से इस वीडियो को 100 लाइक्स कंप्लीट करो, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो यार सबसे पहले आप लोग साइड में मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर जो अब आपको स्पेस सावधान देना है, तो जो है आपको मेथड करना है ये आप लोगों को अच्छी तरह से करना होगा, जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है। तो दोस्तों फाइनली अपना मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर तो ऑन हो चुका है, तो ये आपको सबके काम करना है। तो आपको यहाँ सबसे पहले इंस्टाग्राम की जो ऐप है ये आप लोगों को ओपन करनी है, और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ अपना फेसबुक अकाउंट भी, अगर आपने मोबाइल फोन में फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं किया जल्दी से इस फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लो, और आपको फेसबुक की ऐप या आपको सॉरी फेसबुक का नहीं या आपको इंस्टाग्राम की ऐप या आपको ओपन करनी है। तो यार इंस्टाग्राम की ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये कैसे आता है, फिर मैं आप लोगों को मैसेज दिखाऊँ ये आप लोग कैसे कर सकते, राइट। तो यार सबसे पहले आप लोग नीचे देख सकते हैं ये जो प्लस आइकन है या फिर आपसे रील सेक्शन में, यहाँ पर तो मैं एक रील पोस्ट कर लूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये आप लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो वगैरह को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट किया है, तो यार आपको नेक्स्ट पे के ऊपर क्लिक करना है। तो यार नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे क्या लिखा आ रहा है, रिकमेंड ऑन फेसबुक। तो यार अगर आप लोग यहाँ फेसबुक का अकाउंट लिंक करोगे, अगर यहाँ पर आपका नाम आएगा फेसबुक अकाउंट का नाम आएगा, इसका मतलब है अगर यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट का नाम आएगा इसका मतलब है आपका इंस्टाग्राम जो रील है वो तो फेसबुक अकाउंट पर आपके अकाउंट पर भी चलेगी, बट व्यूज तो काउंट नहीं हो जाएंगे। इससे अगर सिर्फ रिकमेंड ऑन फेसबुक आता है तो आपको फेसबुक से जो व्यूज आएंगे वो आपको इंस्टाग्राम रील्स में भी काउंट हो जाएंगे। ये आप लोग कैसे कर सकते, तो यार इसके लिए आप लोगों को सिंपली इसको हटाना है, सब कुछ आपको हटाना है। तो यार वापस जाना है आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के अंदर, और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम ऐप को लेटेस्ट वर्जन में मतलब कि अपडेट नहीं किया है जल्दी से इसको अपडेट कर लो। तो यार मैंने यहाँ पर अपना फेसबुक, मैंने तो यहाँ पर अपना अकाउंट वगैरह तो लॉग इन कर लिया है, तो सिंपली आप लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स, यहाँ पर 3 लाइन्स जो भी आप कहोगे वही मैं मानूंगा। तो यार यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, ध्यान सर्विस प्रेवसी आपको इस पर क्लिक करना है, एंड आप लोग यहाँ देख सकते हैं शेयरिंग एंड रिमैक्सेस, तो आपको इस पर क्लिक करना हो। तो यार इस पर क्लिक करने के बाद जो सारे ऑप्शन है इनको सबको ऑन करना है, एलो पोस्ट एंड रील शेयरिंग टू स्टोरी इसको एनेबल रखो, एलो स्टोरी शेयरिंग टू इन मैसेज इसको भी एलो कर लो, एलो पोस्ट शेयरिंग टू गाइड इसको भी एनेबल करो, एलो रिक्वेस्ट टू फीचर योर पोस्ट इन शॉप इसको भी एलो करो, एंड एलो रिमैक्सेस ऑफ रील्स इसको एनेबल करो, रील्स रिमैक्सेस ऑफ फीड वीडियोस इसको भी एनेबल करो, एंड लास्ट वन तो ये है एलो रिमैक्सेस ऑफ पोस्ट्स इसको भी एनेबल करो। अब बारी आई है ये आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक होता है रिकमेंड ऑन फेसबुक एंड सी एप्स। तो यार काफ़ी सारे दोस्त यूट्यूबर्स आपको कहेंगे यहाँ पर फेसबुक दिखेगा, आपको फेसबुक कनेक्ट करना है, बट आप लोगों को यही वाला सिलेक्ट करना है, ऑनली आपको सिर्फ ये वाला सिलेक्ट करना है रिकमेंड ऑन फेसबुक, ये ऑफ होता है, इसको आपको एनेबल करना है। बट याद रखने वाली बात तो ये है अगर आप इसको आराम से एनेबल करोगे, देखो इससे ये फायदा है, ज़्यादा फायदा है कि अगर आपने इसको एनेबल किया है जैसे आप इसे एनेबल करोगे रील्स पोस्ट करोगे तो आपका पोस्ट जो है वो फेसबुक पर भी जाएगा, अगर फेसबुक पर उस वाली रील पर काफ़ी सारा व्यूज़ आएंगे वो तो इंस्टाग्राम रील्स में भी काउंट हो जाएंगे, ये फ़ायदा है। दूसरा अगर वहाँ से कोई कमेंट करने की कोशिश करेगा फेसबुक से या फिर लाइक करने की कोशिश करेगा वो तो आपके इंस्टाग्राम पोस्ट में जाएगा, उसी इंस्टाग्राम रील में जाएगा, हो सकता है वो आपको फॉलो भी करे, इससे तो ये फायदा है। बट अगर आप लोगों को वहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट का नाम दिखाना है तो आपको यहाँ फेसबुक अकाउंट लिंक करना है। दोस्तों यही था वो असली तरीका, जबरदस्त तरीका जिससे आप भाई
अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं वो भी इजीली। तो यार ये मेथड आप लोगों को कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, अच्छे से नहीं बताएगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया और डिटेल में बताया होगा। तो यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, लाइक कैम टारगेट भी कंप्लीट करना होगा और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, वीडियो के साथ शेयर करना है। जो लोग इंस्टाग्राम पर रील्स वायरल करना चाहते हैं, रील्स पर व्यूज़ लाने चाहते हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ लाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो आराम से शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।